इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। तो हैंड में टोटल 20 मसल्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं थिनार एमिनेंस। तो थिनार एमिनेंस तीन मसल से बनता है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपोनेंस पॉलिसिस। पॉलिसिस इसलिए क्योंकि थिनार एमिनेंस थम के पास होता है और ये मसल्स थम के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक और है एडक्टर पॉलिसिस, तो ये थम का एडक्शन करेगी, बट ये थिनार एमिनेंस में नहीं आती है, इसे थिनार एमिनेंस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हाइपोथिनार मसल्स की बात करते हैं। सो ये होती है पामेरिस ब्रेविस, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। मसल्स 2 to 4 आर मसल्स ऑफ हाइपोथिनार एमिनेंस। अब हाइपोथिनार ग्रुप में तो ये चार मसल आएगी, पर ये पर जो फर्स्ट वाली है पामेरिस ब्रेविस वो एमिनेंस फॉर्म नहीं करेगी, वो एक जो उठाव वाला स्ट्रक्चर है उसको फॉर्मेशन में ये मसल नहीं रिस्पॉन्सिबल होगी, बाकी की तीनों होंगी। तो ये हाइपोथिनार एमिनेंस के लिए ये तीनों मसल रिस्पॉन्सिबल है। और इन सब में डिजिटी मिनिमी इसलिए आ रहा है क्योंकि हाइपोथिनार एमिनेंस हमारी सबसे डिजिट सबसे छोटी डिजिट के पास प्रेजेंट होता है, और ये डिजिटी मिनिमी जो हमारी फिंगर है उसको ये मसल्स उसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन 4 लम्ब्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं और 4 पामर इंट्रोशियाई और 4 डॉर्सल इंट्रोशियाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन टोटल 20 मसल्स हो गई। 8 तो ये हो गई थिनार हाइपोथिनार टोटल 8 मसल्स, और ये 4 and 4 and 4, सो टोटल 20 मसल्स होगी। अब हम देख लेते हैं डायग्राम से कि ये लम्ब्राइकल्स क्या है, जो 4 लम्ब्राइकल्स प्रेजेंट है। तो ये जो टेंडन आ रहा है टेंडन से ही ओरिजिनेट हो रही है ये चार मसल्स, ये 1st, 2nd, 3rd और 4th। तो ये जो मसल्स हैं दीज आर लम्ब्राइकल्स, ओके। और इंट्रोशियाई मसल देखें तो दो तरीके की है, पामर और डॉर्सल। तो जो यहाँ लाइट कलर से दिख रही है ये पामर इंट्रोशियाई है, चार होती है, और जो डार्कली रेड है वो है डॉर्सल इंट्रोशियाई, ये भी 4 नंबर है, ओके। और थिनार हाइपोथिनार मसल्स ये इस डायग्राम से दिख सकती हैं, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे। अब एक्शन ऑफ थिनार मसल की बात करते हैं। तो थिनार मसल थम के पास है, सारी मसल्स थम को जा रही है, तो थम के डिफरेंट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो नाम से भी हम जान सकते हैं कि पहली मसल है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। अब थम के हम एक्शंस देखें, वेरियस एक्शंस, तो जो एबडक्शन होता है वो होता है ऊपर लाना थम का, और एडक्शन वापस उसकी प्लेस पे लाना नीचे। तो ये हो गया एडक्शन एबडक्शन। ये प्लेन ऑफ थम के परपेंडिकुलर प्लेन में ये एक्शन हो रहा है, एडक्शन और एबडक्शन। अब हम फ्लेक्सर एक्सटेंशन की बात करें तो वो इसी प्लेन में होता है, प्लेन ऑफ थम में, जो कि ये हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया फ्लेक्सर एक्सटेंशन। और एक और एक्शन है ओपोनेंस, तो ओपोनेंस ये ऑपोजिट साइड ले जाना। सो नाम के हिसाब से सारी मसल्स वैसे ही वर्क करेगी, एबडक्टर एबडक्ट, फ्लेक्सर फ्लेक्स करेगी, ओपोनेंस ओपोनेंस वाला एक्शन, और एडक्टर एडक्ट करेगी। तो हमें इसके एक्शन में बस यही याद रखना है कि फ्लेक्सर और एक्सटेंशन उसी प्लेन में होते हैं, और एडक्शन और एबडक्शन परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दिया है एक्शन ऑफ डॉर्सल इंट्रोशियाई। तो डॉर्सल इंट्रोशियाई जो मसल है उनका मेन काम है एबडक्शन ऑफ डिजिट्स। अब एक डिफरेंस क्या है कि हमने देखा थम का एबडक्शन तो परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा था, पर जो हमारी बाकी की डिजिट्स हैं उनका एबडक्शन उसी प्लेन में होता है। एबडक्शन मीन्स जो मिडिल फिंगर की जो मिड लाइन है उससे दूर ले जाएं सारी फिंगर्स को, तो दिस इज एबडक्शन ऑफ डिजिट्स। तो ये एबडक्शन का काम करा रही है। अब हम इन मसल्स की ओरिजिन और इंसर्शन की बात करेंगे। तो थिनार एमिनेंस की जो मसल है उसमें एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ट्यूबरकल ऑफ स्कैफॉइड, क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियस और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ओरिजिनेट हो रही है। मतलब यहाँ का ही फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होगा, ये स्कैफॉइड है और उसका ट्यूबरकल है, और यहाँ पे ट्रेपेजियम का क्रेस्ट होगा और इसी के ऊपर फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो यहाँ से अराइज हो रही है एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फिर फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम एंड कैपिटेट बोन। ओके, तो कैपिटेट बोन यहाँ होती है और बाकी ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और इसका क्रेस्ट ट्रेपेजियम का। देन ओपोनेंस पॉलिसिस फ्रॉम द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड क्रेस्ट ऑफ ट्रेपेजियम, इन दोनों से। तो इन सब का ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम ही है एक तरीके से देखा जाए तो,
और एबडक्टर ऑफ थम दैट इज एडक्टर एडक्टर ऑफ थम एडक्टर पॉलिसिस ये ऑब्लिक हेड बेस ऑफ सेकेंड टू थर्ड मेटाकार्पल और ट्रांसफर हेड ट्रांसफर्स हेड शाफ्ट ऑफ थर्ड मेटाकार्पल। तो सेकेंड टू थर्ड मेटाकार्पल का बेस ये इस टाइप की जो मेटाकार्पल मसल होती है तो ये उसका हेड होता है, यहाँ पे बेस होता है और बीच में शाफ्ट होता है। तो ये ऐसे ही ओरिजिनेट करेगी इस स्पेस में मेटाकार्पल में से। इंसर्शन और ओरिजिन एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। लम्ब्राइकल्स देख लेते हैं, फोर लम्ब्राइकल्स हैं और ये अराइज होते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडन से। लम्ब्रिकल्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इसके चार टेंडन आ रहे थे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप से, हमने जैसा देखा था। तो फर्स्ट जो लम्ब्राइकल है वो लेटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ऑफ सेकेंड डिजिट और सेकेंड थर्ड। तो ये जो थ्योरी में लिखा है ये मैं डायग्राम से बता देती हूँ कि क्या लिखा है। ये लिखा है कि फर्स्ट जो लम्ब्राइकल है वो सेकेंड डिजिट, ये फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो ये सेकेंड है। तो सेकेंड के जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस होगा का टेंडन होगा उससे फर्स्ट लम्ब्राइकल अराइज हो रही है। ये हो गया फर्स्ट लम्ब्राइकल, सेकेंड लम्ब्राइकल अराइज हो रही है थर्ड डिजिट के टेंडन से, ये हो गई सेकेंड लम्ब्राइकल। अब जो थर्ड लम्ब्राइकल है वो दोनों एडजेसेंट थर्ड और फोर्थ डिजिट का जो टेंडन है इन दोनों से इसके फाइबर्स निकल रहे हैं, तो ये थर्ड लम्ब्राइकल दोनों से बन रहा है। इसी तरीके से फोर्थ लम्ब्राइकल के लिए भी फोर्थ और फिफ्थ डिजिट से फाइबर्स अराइज हो रहे हैं और ये दोनों मिलके बना रहे हैं फोर्थ लम्ब्राइकल। ओके, और अब इनकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं। बाकी सब एक एक बार अगर आप टेबल रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी एज सच एक आइडिया लेने के लिए बाकी पूछते नहीं है ज़्यादातर इन्हें। अब एक और चीज़ इसका नर्व सप्लाई ये देख लेते हैं, क्योंकि जब हम नर्व्स पढ़ेंगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा। तो मीडियन नर्व से जितनी भी थिनर एमिनेंस की मसल है उन्हें मीडियन नर्व सप्लाई करेगी और बाकी जितनी भी मसल्स है उसको सबको अल्नर नर्व, कुछ को डीप ब्रांच किसी को सुपरफिशियल ब्रांच। ओके, देखिए थिनर एमिनेंस है लेटरल साइड, इसीलिए ये जो मसल्स है थिनर एमिनेंस की उसे मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, बट जो बाकी की मसल्स हैं और हाइपोथिनर मसल्स हैं उन्हें सप्लाई करेगी अल्नर नर्व, क्योंकि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट है और मीडियल साइड पे अल्नर नर्व होती है। बस इसमें एक एक्सेप्शन की बात लम्ब्राइकल्स में आ जाती है। तो लम्ब्राइकल्स फोर होते हैं, ठीक है। तो जो लेटरल टू हैं लम्ब्राइकल्स उन्हें मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, मतलब फर्स्ट और सेकेंड लम्ब्राइकल को मीडियन नर्व और थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि मीडियल प्रेजेंट होते हैं उन्हें अल्नर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और नाम से सबके फंक्शंस हम इजीली जान सकते हैं, सबके एक्शंस।